Assalamualaikum, this is me, Dr. Ravna. Welcome back to my YouTube channel. So today's our topic is business law with Dr. Ravna. So we are going to cover many contract. Let's move on to contract number one. Case hai Abdul Aziz vs Masoom Ali 1914. Movement was set up on foot to collect money for repairing and reconstruction of a mosque known as Masjid Haman. The committee themselves sanctioned a subscription of 3,000. Beside this, 100 was paid by Hakim, 500 promised by Munshi Abdul, and another 500 was promised by Abdul Karim. Munshi Abdul was appointed as treasurer. The bank returned 500 check with notice of irregularity in endorsement. Let's इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. केस ये है कि उस जमाने में जो एक मस्जिद है, मस्जिद हमन को रिकंस्ट्रक्ट करवाने के लिए सबने चंदा जमा किया है, ट्रेजरी मनी. उसके लिए अब्दुल करीम जो है, या अब्दुल जो है वो एक मुंशी है, उनको जो है वो सेलेक्ट किया गया है. तो इनका नाम है मुंशी अब्दुल करीम. बेसिकली तो मुंशी अब्दुल करीम को जब चंदा दिया जाता है तो 3,000 जो है वो पहले से उस चंदे के अंदर मौजूद होते हैं. 100 जो है वो किस हकीम की तरफ से दिए जाते हैं. मुंशी अब्दुल कहता है कि मैं प्रॉमिस करता है कि जब मस्जिद की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी या जो भी है, मैं 500 दूंगा. और 500 जो है वो एक और जो है वो मुंशी किसी की तरफ से जो है वो दिए जाते हैं. तो तीन हमारे पास जो है वो रकम इसमें है. होता यह है कि जो चेक होता है वो बैंक के पास वो जमा करवाता है, जो कि मुंशी हकीम ने 500 का चेक दिया था. वो बैंक में कोई मसले हो जाते हैं और बैंक जो है वो चेक को जो है वो रिजेक्ट कर देता है. होता यह है कि मुंशी अब्दुल करीम और हकीम दोनों ही इंतकाल हो जाते हैं. अब जो मस्जिद का अब्दुल अजीज है, जो मस्जिद के इमाम है या जो भी थे उस वक्त, वो केस करते हैं मुंशी अब्दुल करीम के हायर्स को, यानी जो मासूम अली हैं उनके बेटे या जो भी भतीजे हैं उन पे, कि उनके जो वालिद है उनके ऊपर 1,000 रुपये मस्जिद के चंदे का बनता है, क्योंकि 500 उन्होंने खुद देने का वादा किया था और 500 हकीम का जो चेक जो है बार बार रिजेक्ट हो रहा था. कोर्ट ये तो वो ये चाहते हैं कि जो पैसे 1,000 रुपये वो उनके मासूम अली जो उनके बेटे या जो भी हैं वो दें. डिसीजन, कोर्ट का डिसीजन क्या है? द कोर्ट हेल्ड द मुंशी अब्दुल करीम कुडंट बी सूट और एनी सूट कैन बी लेड अगेंस्ट हिज हायर्स आफ्टर हिज डेथ एज देयर इज अ लैक ऑफ एविडेंस टू प्रूव द कंसिडरेशन ऑफ फॉर हिज प्रॉमिस सब्सक्रिप्शन. तो केस में क्या चीज आ रही है? क्योंकि मुंशी अब्दुल करीम ने जो वादा किया था वो किया था मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में लगाने का. मस्जिद की कंस्ट्रक्शन तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो वो जो प्रॉमिस है वो तो लीगल हो ही नहीं सकता और ना ही उसकी कोई खास लीगल आपके पास जो है वो मौजूद है एविडेंस. एंड ही हैड प्रेजेंटेड दैट द चेक फॉर पेमेंट द मिस्टेक इन द एंडोर्समेंट वाज अ नेचुरल वन. और बात हुई चेक की तो वो कोर्ट की तरफ से रिजेक्ट हुआ था. मुंशी की कोई इंटेंशन नहीं थी जब वो जिंदा थे कि वो इस तरह जो है वो चेक को घपला करते या वॉट एवर जो भी आप टर्म यूज कर सकते हैं. Court this judgment made it clear that mere promise to contribute to a charitable purpose is not enforcement as it is without consideration. क्योंकि ये without consideration है, यहाँ पर हम मज़ीद consideration को और detail में अगले case में देखेंगे.